रमेश ने वैलेंटाइन गिफ्ट किया, रनिया को फूल धराया, लीजिए। अब पूछे के पड़ी तारा घरे फोन करके, बीच में तारीख वारीख पूछब न तो फिर तारा पापा के नाम आवे लगी, दादा के नाम मत बोलो, तो फिर गावे लगो पापा कहता। तो रमेश ने, सुनिए, रमेश ने रानी को फूल गिफ्ट किया तो रानी ने इनके गाल पर सैंडल गिफ्ट कर दिया। इसका मतलब हुआ, समझिए पहले, इसका मतलब हुआ कि एक तरफा मोहब्बत चल रहा था, तो इसमें एकीकरण संभव नहीं है, एकीकरण में टिका नहीं सकता है, बात समझ रहे ना। ये टिकाएगा कब? सुन, जब रमेशवा ने फूल गिफ्ट किया और रनिया ने मुस्की मार दिया, तब टिकाएगा। तो जब टिकाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मोहब्बत दोनों तरफ से चलेगा, तब एकीकरण संभव है। एक तरफा मोहब्बत में सेंडिले गिफ्ट होता है, समझ रहे ना, दूसरा कुछ गिफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ विद्युत से जब चुंबकत्व तुम निकाल देगा तो इसको एकीकरण नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि एक तरफा चल रहा है, समझ रहे ना। अच्छा, आ चुंबक से विद्युत प्राप्त खाली कर दिए तब भी आपको एकीकरण नहीं हो सकता है, बात समझ रहे हैं। हाँ, मान लीजिए रमेशवा को कभी इसे मोहब्बत हो गया तो फूल धरा दिया, इधर सैंडल मिल गया, चाहे रानिए को रमेश जी अच्छे लग रहे हैं तो रानी ने इनको फूल दिया तो रमेश जी मुँह पर थूक दिए, एकीकरण होगा? एकीकरण नहीं होगा। एकीकरण तभी संभव है जो इधरों से चले और इधरों से चले। डोंट टॉक लवर लवर एंड गवर गवर, क्या बोल रही है, छानो नहीं, इधर देखो, आप सीधे बैठ जाइए, आप ज़्यादा स्मार्ट है, सीधा बैठ सकते हैं, सीधा बैठिए, ऐसे करके आप बैठ जा रहे हैं। तो ऐसे शेर बाघ कब बैठता है? जब हमला करना, इसीलिए आपको हम दूर बैठा है, फान के देह पा के दो तीन मर दिए, दाँते वाते काट लीजिएगा, दिक्कत। इधर देखो, सीधा बैठिए ना, सीधा नहीं बैठिएगा जानते क्या होगा, नींद लगने लगेगा। हमारा क्लास में सोना भी बड़ा मुश्किल है, जब आँख में ऐसे करेगा तो लगे कहीं ऐसा, हाँ हाँ अरे क्लास में है, क्लास में है, हम तो सो रहे थे, क्लास में हंसना वर्जित है, हम हंस सकते हैं। है कोची का बना है, क्या बोला, पटुआ का है, ये पटुआ दिख रहा है, ये तार ना है, तो कह रहा पटुआ गतान है, कह रहा ये जो है तार का बना हुआ कुंडली है। जनरेटर जो होता है, ठीक है, स्पीड में चलता है तब ना करंट देगा, अब धीरे धीरे चला रहा है, धीरे धीरे पर सुनिए, धीरे धीरे पर चलेगा, अब मान लो धीरे धीरे पर करंट दे रहा है तो डीजल का जरूरत नहीं है, एक आदमी को खाना दीजिए बैठा है, कहेगा धीरे धीरे से नचावत रहो, ऐसा नचावत रहो, ऐसा ब्याह शादी होता होने कॉफी चल रहा है, चाय चल रहा है, नचाते रहो ऐसे से, अगर नचाते नचाते झों ही मार दो सिंह कस के, मारे का भैरे लोहक गई, सब हाई वोल्टेज दे दिया, कस के नचा दिया, दूल्हा दूल्हो लोहक गई ना, कुछ बाज नहीं उड़ीस गई, अरे उतना धीरे से नचेगा करंट देगा जी ना, उतना करंट, अगर मान लो उतना स्पीड से कोनो नचाइयो देता, ठीक है, तो शादी में अगर उतना स्पीड से तुम जनरेटर नचा देगा तो निश्चित ब्याह के बाद एगो श्राद्ध लिखा है ना, ब्याह तो करा देना, जो नचाओ तो उसका श्राद्ध पूरी जगह दिया उसका।